कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे टेट के एग्जाम के लिए। तो टेट के एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री का पोर्शन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन है, कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो टेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी। आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर सिस्टम से लास्ट ईयर में 2 या 3 क्वेश्चन बने थे, तो इस बार भी उम्मीद है कि नंबर सिस्टम से 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहाँ से बन सकता है कंटेंट, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज की क्लास में देखते हैं संख्या को सीखने की पद्धति, ये कहलाती है नंबर सिस्टम। संख्या को सीखने की पद्धति नंबर सिस्टम कहलाती है। जब तक हम लोग संख्याओं के बारे में नहीं सीखेंगे तो मैथ को समझ ही नहीं सकते। संख्याओं को सीखने के लिए, नंबर सिस्टम को सीखने के लिए कुल 4 सिस्टम बनाए गए थे। वो 4 सिस्टम कौन कौन से हैं? देन फर्स्ट इज डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। सेकंड बाइनरी सिस्टम बनाया गया। थर्ड हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड फोर्थ ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। हमें बेसिकली जिससे मतलब है वो पहले वाले से मतलब है, बाकी 3 से कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। हाँ, SSC के लिए डेसिमल और बाइनरी दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट अगर हम टेट के कंटेंट से देख रहे हैं तो डेसिमल सिस्टम पर्याप्त होगा हमारे लिए। हम डेसिमल सिस्टम को देखते हैं, तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हमें क्या क्या मिलेगा। डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत कुल हमें 10 नंबर बताए गए हैं। हमसे कहा गया है कि कुल 10 नंबर होते हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं? वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमें बोला गया है कि 9 नंबर होते हैं। इन नंबरों का प्रयोग करके आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, हम ट्राई करते हैं, कोई भी एक नंबर फॉर्म करते हैं। जैसे सपोज दैट हमने लिया 4567। ठीक है, 4567 ये एक नंबर हमने फॉर्म किया। इस नंबर की 2 वैल्यू होती हैं। 2 वैल्यू कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट इज ए प्लेस वैल्यू, देन सेकंड इज ए फेस वैल्यू। पहला होगा इसका स्थानीय मान, दूसरा होगा इसका जाति मान। स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो प्लेस वैल्यू किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू उसके प्लेस पर डिपेंड करती है। 7 का प्लेस कहां पर है? इन वंस प्लेस। 6 का कहां पर? इन टेंस प्लेस। 5 का कहां है? 100 प्लेस पर। 4 कहां है? 1000 प्लेस पर। अगर हिंदी में समझें तो स्थानीय मान या इसका प्लेस वैल्यू कहां पर होगा, तो 4567 का अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, स्थानीय मान की अगर इसकी बात करें, तो 7 का स्थानीय मान कहां पर होगा? 7 का स्थानीय मान होगा इन वंस प्लेस, इकाई के स्थान पर। ठीक है, 6 की बात करें तो 6 कहां पर है? दाही के स्थान पर। 5 की बात करें तो 5 कहां पर है? 100 के स्थान पर। और 4 कहां पर है? 1000 के स्थान पर। इसका मतलब है कि इसका मान होगा 4000। ठीक है, तो हम लोग समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान किसी भी वैल्यू का स्थानीय मान उसके स्थान को दिखाता है, उसकी पोजिशन को दिखाता है। बट इन फेस वैल्यू ठीक है, अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो इसी नंबर में अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू क्या होगी? 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, देन 4 का फेस वैल्यू 4 होगा। बेसिकली हमसे 2 टाइप के सवाल ही पूछे गए हैं यहां पर आज तक। हमसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए, एक नंबर दे देगा, उसमें पूछेगा ये बताइए कि 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है। मतलब यहां पर दी गई संख्या में 5 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर कितना होगा। तो 5 का स्थानीय मान देखा जाए तो कितना है? 500। और 5 का जाति मान कितना है? 5। इसका मतलब है कि 5 का प्लेस वैल्यू 500 है एंड फेस वैल्यू कितनी है? 5। किसी भी संख्या की फेस वैल्यू उसकी स्वयं का मान होता है, मतलब उसकी स्वयं की वैल्यू होती है। अगर डिफरेंस की बात करें तो कितना होगा? 495। देन दूसरे टाइप का सवाल यह बनता है कि यह बताइए कहां पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, कहां पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो आप याद रखिएगा कि कहां पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपस में बराबर होती है? इन वंस प्लेस। ठीक है, इकाई के स्थान पर ये आपस में बराबर होते हैं। इकाई के स्थान पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपस में बराबर होती है।
तो इतना कंटेंट सीखा कि नंबर सिस्टम को सीखने के लिए कुल चार सिस्टम बनाए गए थे, डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टा, ठीक है। बाकी हमें इन तीन से मतलब नहीं है, बाकी इसके बारे में भी कभी डिटेल से चर्चा करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत कुल हमें 10 नंबर सिखाए गए, 10 नंबर वो कौन कौन से नंबर हैं, 0 से लेकर 9 तक। इन नंबरों का प्रयोग करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, कोई भी नंबर फॉर्म करेंगे, उस नंबर की दो वैल्यू होंगी, पहला प्लेस, दूसरा फेस। प्लेस वैल्यू प्लेस पर डिपेंड करेगी, बट फेस वैल्यू प्लेस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, वो उसका स्वयं का मान होता है। अगर हम 7 की बात करें तो 7, 6 की बात करें तो 6, 5 की बात करें तो 5, देन 4 की बात करें तो 4, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग आगे इसके बारे में सीखेंगे, नंबर सिस्टम में द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर सिस्टम, द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे, नोट भी कर सकते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर सिस्टम में हमें देखना है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखना है यहां पर, द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्या पद्धति का वर्गीकरण। अब संख्या पद्धति में आगे चलेंगे तो वर्गीकरण में हमें दो बातें सीखने को मिलेंगी, ठीक है, वो दो बातें कौन कौन सी हैं, ठीक है। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे नंबर सिस्टम का तो हमें नंबर के बारे में जानकारी मिलेगी, फर्स्ट इज अ रियल नंबर, ठीक है, देन सेकंड इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है, फर्स्ट इज अ रियल नंबर, देन सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। रियल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं या इमेजिनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, पहले हम इसको सीखते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर हैं जहां पर हम संख्याओं को केवल इमेजिन कर सकते हैं, मतलब उनके इमेजिनेशन से ही अपने गणितीय समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 10i। आप लोगों ने इंटर में अगर बीएससी में जिसके पास मैथ होगी वो समझ रहे होंगे कि आयो फॉर आयोटा, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, देन आई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1, ठीक है। ये एक ऐसी वैल्यू है जो बहुत जटिल गणितीय समस्या को सॉल्व करने के लिए सहायक होती है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। हम रियल नंबर में बात करते हैं तो रियल नंबर में हमें दो तरह के नंबर मिलेंगे, ठीक है, रियल नंबर में आए तो रियल नंबर में हमें दो तरह के नंबर आते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट इज डेसिमल, दशमलव की संख्याएं, हम कह सकते हैं दशमलव की संख्याएं, देन सेकंड, फर्स्ट इज डेसिमल, देन सेकंड इज इंटीजर, ठीक है, दूसरा पूर्णांक। दशमलव की संख्या, संख्याएं दो ही तरीके से हो सकती हैं, या तो दशमलव में होंगी या फिर पूर्णांक में होंगी, ठीक है। तो रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, डेसिमल और इंटीजर में। डेसिमल में क्या है, डेसिमल में, डेसिमल के अंतर्गत संख्याओं को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, संख्याएं दो तरीके से डेसिमल के अंतर्गत डिवाइड हैं। ये रिवीजन क्लास है तो बहुत ज्यादा थ्योरी के अंदर नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चीजें हम लोग समझेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी के अंदर जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर आई थिंक। तो हमें ओवरऑल व्यू को समझना है, डेसिमल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स कौन कौन से, वो डेसिमल के नंबर, वो दशमलव की संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आती हैं, ठीक है, किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आती हैं, ठीक है, एंड जो p अपॉन q के फॉर्म में आती है दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है, और वो दशमलव की संख्याएं जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं आती, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। जैसे
इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। इसको समझने का बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर हम इसमें बात करें, लास्ट ईयर पूछा गया था पाई एक कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों, ये किस फॉर्म में है, फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, आप बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटीजर की तरफ चलते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक को समझने के लिए, इंटीजर को समझने के लिए हम लोग समझते हैं इंटीजर होते कितने टाइप के हैं। तो इंटीजर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, यहां पर देखते हैं इंटीजर, इंटीजर कितने टाइप के हैं, हमें बताया कि इंटीजर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन सेकंड इज अ नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, वो इंटीजर जो पॉजिटिव है, धनात्मक है, मतलब अगर हम बात करें तो +1, +2, +3, +4 और ++ का इनफाइनाइट। अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो क्या होगा, −1, −2, −3, −4 और −∞ तक। इंटीजर या पूर्णांक दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। एक इंटीजर और भी होता है जिसे कहा जाता है जीरो। जीरो को समझने से पहले थोड़ा सा हम कहानी को पीछे की तरफ चलते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ आएंगे तो हमसे यह बोला गया है कि ऑल रियल नंबर आर नेचुरल नंबर, ठीक है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं भी होंगी, ठीक है। तो हमसे यह बोला गया है कि प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह समझना जरूरी है कि यह नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं होती क्या है। तो प्राकृत संख्याओं को सीखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर है क्या। एक्चुअली में नेचुरल नंबर वो नंबर है जो हमें नेचर ने सिखाए हैं। नेचर ने हमें क्या सिखाया, नेचर ने हमें 1 सिखाया, 2 सिखाया, 3 सिखाया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन नेचर ने कभी भी हमें 0 नहीं सिखाया, ठीक है। 0 हमें किसने सिखाया, 0 सिखाया हमें आर्यभट्ट ने। 0 के बारे में जानकारी हमें आर्यभट्ट ने दी। जब 0 का आविष्कार हुआ और 0 आया तो 0 को रखा कहां जाए, ये एक सोच का विषय था कि 0 को कहां रखा जाए या 0 को किसके साथ शामिल किया जाए। तो बोला यह गया कि इफ 0 इज कंबाइंड विथ नेचुरल नंबर, इफ 0 इज कंबाइंड विथ नेचुरल नंबर, अगर 0 नेचुरल नंबर के साथ कंबाइन कर ले, मतलब प्राकृत संख्याओं के साथ अगर 0 कंबाइन कर ले, ठीक है, इफ 0 इज कंबाइंड विथ नेचुरल नंबर दैट इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। पहले क्या था, पहले प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास जो गिनती थी वो 0 से 1 से लेकर 9 तक थी, मतलब अगर हमें कुछ लिखना भी होता था, 10 लिखना भी होता था तो हम 10 को 10 नहीं लिख सकते थे, इस तरीके से नहीं लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि हमारे पास 0 था ही नहीं, ये प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम ये थी कि 0 हमारे पास था नहीं तो हम 10 को 10 नहीं लिख सकते थे, 20 को 20 नहीं लिख सकते थे। जब 0 का आविष्कार हुआ तो 0 को कंबाइन किया गया नेचुरल नंबर के साथ, तब बोला गया कि 0 अगर नेचुरल नंबर के साथ कंबाइन कर लेगा तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर, मतलब अब हमारी गिनती पूरी हो जाएगी, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 10 लिखने में, 20 लिखने में। और आप देखें भी, पहले के जमाने के लोगों ने अपने आप को उस हिसाब से ढाल भी लिया था, मतलब चीजें अगर नहीं हैं तो उस हिसाब से लोग अपने आप को मोल्ड भी कर लेते हैं। पहले के लोग 4 आने, 8 आने, 12 आने, 16 आने की बात करते थे, कहीं भी उनके किसी भी नाप तौल या पैसे लेने देने के प्रोसेस में कहीं पर भी उनका 0 का उपयोग नहीं होता था। आप अगर
पुराने लोगों से बात करें, वो ये भी बताएंगे कि जीरो का जीरो आ जाने के बाद भी उन्होंने अपनी आदत काफी टाइम तक नहीं छोड़ी, क्योंकि जीरो आ गया उसके बावजूद भी ये चीजें प्रचलन में काफी टाइम तक चलती रहीं। अब जीरो आया, हमने जीरो को कंबाइन किया किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। तो नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो कंबाइन हुआ तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर। ये क्या बनी, ये पूर्ण संख्या बनी। क्या संख्या बनी, पूर्ण संख्या। अब हमारी गिनती पूरी हो गई, ठीक है, जीरो पूर्ण संख्या हो गई। तो अब अगर जीरो के बारे में पूछा जाए कि जीरो इज द जीरो है क्या, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, जीरो इज रियल नंबर, जीरो इज नेचुरल नंबर, जीरो इज होल नंबर या नन ऑफ दिस। तो जीरो है क्या, बेसिकली जीरो क्या है, जीरो एक रियल नंबर है, जीरो एक नेचुरल नंबर है, जीरो एक होल नंबर है या जीरो नन ऑफ दिस है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, आप लोग सोच के बताएं कि जीरो क्या होगा, जीरो एक रियल होगा, नेचुरल होगा, होल होगा या फिर जीरो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे जीरो इज अ होल नंबर, बट जीरो इज नॉट अ होल नंबर, जीरो अकेले खुद में होल नहीं है, ठीक है। हमने बार बार कहा कि जीरो इज कंबाइंड विथ नेचुरल नंबर, जीरो जब नेचुरल नंबर के साथ कंबाइन करेगा दैट इज कॉल्ड होल नंबर, मतलब जीरो जब तक एक के साथ नहीं आएगा तब तक वो होल नंबर नहीं बनाएगा। अगर हम जीरो को अकेले ले जाएं तो जीरो से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। जीरो को कंबाइन करेंगे अगर एक के साथ, एक अर्थपूर्ण अंक बनेगा जिसका मान होगा 10। अगर जीरो को दो के साथ कंबाइन करें तो एक अर्थपूर्ण अंक बनेगा जिसका मान होगा 20। इसका मतलब है जीरो स्वयं में कोई चीज, स्वयं में कुछ नहीं है, ठीक है, जीरो स्वयं में तो कुछ नहीं है, बट जीरो कंबाइन विथ नेचुरल नंबर दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो जीरो ना तो रियल है, ना तो नेचुरल है, ना ही होल है, जीरो नन ऑफ दीज है। तो एक्चुअल में जीरो है क्या, ठीक है, सवाल है कि जीरो है क्या, एक्चुअल में क्या है जीरो। तो जीरो एक्चुअल में एक इंटीजर है, क्या है, एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है जीरो, एक कैसा इंटीजर, इस पर सवाल आया था, जीरो इज इंटीजर मतलब जीरो एक पूर्णांक है। तो जीरो एक कैसा पूर्णांक है, जीरो एक सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर है, जीरो ऑड इंटीजर है, जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो नेगेटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जीरो कैसा इंटीजर है, या जीरो को ऑड है या इवन है। तो हम लोग देखते हैं, हम समझते हैं कि इंटीजर को, फिर से देखते हैं इंटीजर को समझते हैं, इवन और ऑड, ठीक है। इवन हम लोग जानते हैं, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, विश नंबर डिविजिबल बाय टू, ठीक है, वो नंबर जो दो से डिविजिबल हो। तो इंटीजर में हम देख रहे हैं जीरो की पोजीशन, जीरो की पोजीशन कैसी होगी, जीरो इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, समझते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करें, इवन नंबर की जब बात करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। लेकिन थोड़ा इस बार पीछे से स्टार्ट करेंगे, अगर हम लोग थोड़ा पीछे से स्टार्ट करें, -6 तो यह भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। -4 यह भी क्या होगा, एक इवन होगा। -2 इसके बाद क्या आएगा, जीरो। इसके बाद क्या आएगा, टू। इसके बाद 4, 6, 8, इस तरह से हम लोग चलेंगे। अगर हम लोग ऑड में बात करें तो थोड़ा पीछे से यहां पर भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पीछे से, ठीक है, थोड़ा पीछे से देखेंगे। -5 ऑड नंबर है, -3 ऑड नंबर है, -1 ऑड नंबर है। अब इसके बाद क्या मिलेगा, प्लस का 1, ये भी ऑड नंबर है। हम लोग देख रहे थे कि जीरो की पोजीशन, जीरो हम लोगों ने सीखा जीरो क्या है, जीरो एक रियल नंबर भी नहीं है, जीरो इमेजिनरी नंबर भी नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर भी नहीं है, जीरो होल नंबर भी नहीं है। तो जीरो एक्चुअल में है क्या, तो जीरो एक्चुअल में इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जीरो एक ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है। तो हमने इवन में देखा, अब ऑड में देख रहे हैं। तो ऑड में -5, -3, -1, +1 और +3, +5, +7 इस तरह से आगे जाएंगे। अगर हम लोग गौर करके देखें तो इवन नंबर और ऑड नंबर में, तो अगर हम थोड़ा पीछे से स्टार्ट करके देख रहे हैं, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10,
मतलब जीरो की पोजीशन इवन में है कि ऑड में है, इसका मतलब है जीरो एक इवन नंबर है, जीरो इवन नंबर की सीरीज पे आता है। आप लोग गौर से देखें अगर, तो जीरो कहां पर मिल रहा है, माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टू और जीरो टू फोर सिक्स एट, इसका मतलब है कि जीरो इज अ इवन इंटीजर, ठीक है, जीरो एक इवन इंटीजर है। तो जीरो की पोजीशन को हम लोगों ने सीख लिया, जीरो की उत्पत्ति कहां से हुई, जीरो की उत्पत्ति या जीरो का आविष्कार किसने किया, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, जीरो को रखा कहां गया, जीरो को नेचुरल नंबर के साथ कंबाइन कराया गया दैट इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है, जीरो कैसा इंटीजर है, जीरो इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया कि जीरो एक इवन इंटीजर है और जीरो ऑड इंटीजर नहीं है। अब इसका देख सकते हैं कि अगर कुछ लोग चाहें कि ऐसे समझ में नहीं आया या किसी दूसरे तरीके से, तो दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, अगर हम दो सम संख्याओं को ऐड करें तो हमेशा हमें एक सम संख्या मिलती है, टू प्लस फोर क्या मिलेगा, सिक्स, वो भी सम होगी। अगर हम दो विषम संख्याओं को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा, तो हमेशा एक हमें सम संख्या मिलेगी। अगर हम एक विषम और एक सम संख्या को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक विषम संख्या मिलेगी। समझ रहे होंगे, अगर हम सम संख्याओं को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें एक सम संख्या मिलती है। हम ये प्रूव करके देख रहे हैं कि जीरो सम है या नहीं, जीरो सम है, जीरो को हम रखते हैं तो जीरो को यहां पर रखेंगे तो जीरो प्लस टू क्या मिलेगा, टू, इसका मतलब जीरो सम है। अगर हम जीरो को विषम रखें तो जीरो प्लस वन, एक विषम संख्या रखिए, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, इसका मतलब है यहां पर सम होना चाहिए और आ रहा है वन, इसका मतलब है जीरो विषम संख्या नहीं है, ठीक है। तो यह बात प्रूव हो गई कि जीरो एक कैसा इंटीजर है, एक इवन इंटीजर है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे की सीरीज में, आगे की थ्योरी में हमें पढ़ना है प्राइम को और कंपोजिट नंबर को पढ़ना है और वन की स्थिति को देखना है, तो हमें प्राइम नंबर समझना है। तो हम एक ही लाइन में इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और यहां पर हम वन की स्थिति को भी देखेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमें प्राइम नंबर के बारे में हिंदी में एक परिभाषा या किसी भी बुक में लिखी हो तो ये बताई जाती है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो स्वयं से डिविजिबल होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर है जो स्वयं से डिविजिबल होते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। डिविजिबल बाई इट्सेल्फ, जो स्वयं से डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन प्राइम की एक डेफिनेशन और भी है, प्राइम की डेफिनेशन ये भी है कि प्राइम नंबर वही नंबर हो सकते हैं विच हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, जो केवल और केवल दो ही गुणनखंड रखते हो या जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड संभव हो, ओनली टू फैक्टर्स, वन इज वन एंड अदर इज इट्सेल्फ। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर है जो केवल दो ही प्रकार की संख्याओं से कट सकती है, एक तो वन और दूसरा वह स्वयं से, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसके दो ही गुणनखंड या दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो वन दूसरा वह स्वयं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 17 17 को ले लें, 17 किससे डिविजिबल होगा, खुद 17 से और 1 से। 13 को ले लें तो 13 किससे होगा, 13 से और 1 से। अगर हम प्राइम नंबर में बात करें तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। सबसे छोटी प्राइम नंबर की बात करें, यह भी सवाल पूछा गया था, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। क्या एक नहीं हो सकता, क्या एक के बारे में सोचा नहीं गया होगा, क्या एक के बारे में विचार नहीं किया गया होगा, अफकोर्स किया गया होगा। तो एक क्यों नहीं रखा गया, एक को प्राइम नंबर क्यों नहीं माना गया, सबसे छोटा प्राइम एक क्यों नहीं माना गया, दो ही क्यों माना गया। तो हमसे कहा गया सबसे छोटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, एक क्यों नहीं होता। तो एक क्यों नहीं होता, यहां पर देखते हैं, 2 और 1 ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, दो
एक ऐसा नंबर है जिसके दो गुणनखंड संभव है, एक तो वन दूसरा स्वयं दो। अगर हम वन की बात करें तो वन का एक फैक्टर तो वन होगा, लेकिन अदर क्या होगा? कुछ नहीं। इसलिए हम वन को सबसे छोटे प्राइम नंबर के रूप में नहीं मान सकते, इसके लिए हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर दो रखना पड़ा। कंपोजिट नंबर को देखते हैं, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड संभव हो सके वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कोई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इतना समझना जरूर होगा कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा अधिक फैक्टर हो सकते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। भाज्य संख्याएं और ये अभाज्य संख्याएं। हम वन की स्थिति को समझते हैं, तो वन की स्थिति क्या होती है? वन की स्थिति ये होती है कि वन सबसे छोटा रियल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, लेकिन वन ना तो प्राइम है, वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, वन ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। साफ साफ बोल दिया गया कि वन अभाज्य संख्या नहीं है, वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि वन अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं चैप्टर के अंदर, चैप्टर के अंदर स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है समझते हैं। मेनली दो टाइप के सवाल पूछे गए हैं पेपर में। फर्स्ट टाइप मल्टीपल मेथड पर पूछा गया है, गुणनखंड विधि पर पूछा गया है। दूसरा पावर मेथड पर पूछा गया है। तो गुणनखंड विधि पर सवाल जो पूछे गए हैं, और दूसरा पावर मेथड पर सवाल पूछे गए हैं, उसको हम समझते हैं। गुणनखंड विधि पर सवाल कुछ ऐसे पूछे गए हैं, जैसे 398 इंटू 294 इंटू 394 एंड 288 पूछ रहा है। इसमें यूनिट वैल्यू बताइए, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी अंक हैं उनका यूनिट प्लेस उठाएंगे। यहां पर 8 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, आपस में गुणा करेंगे, यहां पर क्या मिलेगा? 32, 32 का मतलब ओनली 2, 32 का ओनली 2, क्योंकि ये इकाई का अंक है। 32 का इकाई का अंक 2 होगा, यहां से 32 का इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, तो हमारा इकाई का अंक 4 आएगा। कितने से बड़ा सवाल भी हो, हम उसके केवल इकाई के अंक को उठाएंगे, आपस में गुणा करेंगे, केवल इकाई के अंक को देखेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। मेनली ये सवाल पेपर में कम ही पूछे जाने की गुंजाइश है। पावर वाला सवाल, इसके पूछे जाने की इस बार बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि लास्ट टाइम इकाई का अंक नहीं पूछा गया था। तो अगर हम यहां पर देखें तो इकाई के अंक को समझते हैं पावर मेथड पर कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें 7 की पावर 105, तो हमसे बता दिया जाता है कि जब भी पावर का सवाल आए इकाई के अंक में, तो हम पावर 4 का डिवाइड कर देते हैं। पावर 4 का डिवाइड कर देने से क्या होता है, हमें इकाई का अंक मिल जाता है। हम भी वही काम करेंगे, पावर 4 का डिवाइड करेंगे, बाद में समझेंगे कि पावर 4 को डिवाइड करते क्यों है। पावर 4 का डिवाइड करेंगे, 4 × 8 कितना बचेगा? 2, 25, 4 × 24 कितना बचेगा? 1, तो 7 की पावर 1, इसका मतलब है इकाई का अंक हमारा 7 होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं, यहां पर 13 की पावर 2003, यहां पर पावर कितना है? 2003 है। हमें 13 से मतलब नहीं है, मतलब केवल 3 से है, तो हम पावर यहां देख रहे हैं 3 की पावर 2003, तो हम पावर किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, लगभग 500 टाइम्स चला जाएगा। कितना बचेगा? 3, 13 से मतलब नहीं, केवल 3 से मतलब है, बचा कितना? 3 बचा, 3 की पावर 3 का मतलब है 27, और 27 में इकाई का अंक 7 है, इसका मतलब है इकाई का अंक 7 आएगा। तो आई थिंक हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। और अब हम चलते हैं कि हम पावर 4 का डिवाइड करते क्यों हैं, हम पावर 4 का ही डिवाइड क्यों करते हैं, 5 का क्यों नहीं करते, 3 का क्यों नहीं करते, या और किसी भी नंबर का क्यों नहीं करते। आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये देखिए कि कोई भी नंबर हो, या तो 1 या 2, 3, कोई भी नंबर हो,
1 की पावर 1 करें तो कितना आएगा 1, अगर 1 की पावर 5 करें तो भी कितना आएगा 1, 1 में तो 1 ही मिलता है, मतलब कोई भी नंबर हो हर चौथी पावर के बाद खुद को रिपीट करता है, हर चौथी पावर के बाद खुद को रिपीट करता है। तो हम इसलिए जब कोई भी नंबर हर चौथी पावर के बाद खुद को रिपीट करेगा बार बार, इसलिए हम लोग पावर 4 का डिवाइड करते हैं। अगर 2 की पावर 1 देखा जाए तो कितना होगा 2, देन 2 की पावर 5 अगर देखा जाए तो फिर से क्या मिलेगा 32, और फिर से 2 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है इन अ वंस प्लेस। तो 2 की पोजीशन भी क्या है कि चौथी पावर के बाद, हर चौथी पावर के बाद 2 खुद को फिर से रिपीट कर रहा है। अगर 3 की पावर 1 देखी जाए तो 3, और 3 की पावर 5 देखी जाए तो कितना होगा 243, मतलब 3 फिर से अपने आप को हर चौथी पावर के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। अगर कोई भी अंक हर चौथी पावर के बाद खुद को रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम इस रिपीटिशन को खत्म कर देते हैं, इस पुनरावृत्ति को बार बार खत्म कर देते हैं, उसको खत्म करने के लिए हम पावर में 4 का डिवाइड कर देते हैं। समझ गए होंगे, पावर 4 का डिवाइड कर देते हैं, पावर 4 का डिवाइड करके हम बचे हुए पावर को सॉल्व करके इकाई का अंक निकाल लेते हैं। बहुत आसान है, हम किसी का भी ले सकते हैं, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ठीक है, अभी डिटेल में हम लोग सीखेंगे। तो आगे समझते हैं इकाई के अंक में, कुछ ऐसे अंक होते हैं, कुछ ऐसे अंक होते हैं जिनका इकाई का अंक कभी भी बदलता नहीं है, कुछ ऐसे अंक होते हैं जिनका इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होता, जैसे 0, 1, 5 और 6। ये 4 ऐसे अंक हैं जिनका इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होता। आप कितनी भी पावर लगा लीजिए, कितनी भी पावर आप लगा लीजिए, ये अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ते। जैसे हम बात करें 220 की पावर 123, 220 की पावर 123, इसमें इकाई का अंक 0 ही होगा। आप यहां कितनी भी पावर कम से कम या ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर लीजिए, ये अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ेगा, 0 अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ता। यही हाल 1 का है, 221, यहां पर भी पावर 123 अगर रखें तो 1 भी अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ता, यहां पर भी इकाई का अंक 1 होगा। अगर हम 5 को चेक करें तो 225 की पावर 123 होगा, तो यहां पर भी इकाई का अंक 5 ही होगा। इसका मतलब है कि 0, 1, 5, 6 कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ते, ये कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ते, ठीक है। इसके बाद बचे हुए और बाकी नंबर वो अपना स्थान जरूर बदलते हैं, लेकिन ये 4 अंक कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। पावर मेथड में हम पावर 4 का डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं हम वहां से सीख चुके हैं। कुछ अंक अपना स्थान कभी नहीं बदलते, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल है 2356 की पावर 754, कह रहा है 2356 की पावर 754, ठीक है, इसमें कह रहा है इकाई का अंक बताइए। तो हम अपने इकाई का अंक को देखेंगे, इकाई का अंक क्या है हमारा 6, इकाई का अंक 6 है, हम जानते हैं कि 6 अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 6, खत्म हो गया, ठीक है। इकाई का अंक को थोड़ा सा और हम डीप चलते हैं, तो और थोड़ा डीप समझते हैं। इकाई के अंक में कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं जहां पावर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाती है। अभी हम लोगों ने सीखा कि पावर में डिवाइड करिए 4 का, जो बच जाए उसको सॉल्व करिए, इकाई का अंक मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं जहां पावर पूरा का पूरा डिवाइड होती है। तो जब पावर पूरा का पूरा डिवाइड हो उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन में आप समझिएगा कि जब पावर पूरा का पूरा डिवाइड हो, ठीक है, तब हम सम और विषम, इवन और ऑड की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जब पावर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए,
तब हम नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक इवन कैटेगरी में, एक ऑड कैटेगरी में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई भी संख्या ले लें, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया 124, या अभी हम लेते हैं 120 को, 120 की पावर 124, ठीक है। हमने जीरो लिया है और जीरो के बारे में सीख चुके हैं कि जीरो एक इवन नंबर है, तो जीरो को भी हमने इवन की कैटेगरी में रखा है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, या हम नीचे एक और नंबर लेते हैं 122 की पावर 124, इसको भी देखेंगे क्योंकि ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है। तो इसको हम पहले चेक करके देखते हैं, अगर पावर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर कभी भी पावर पूरा का पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो हम नंबर की पावर 4 चेक करते हैं, जीरो की पावर 4 चेक करेंगे। तो जीरो में तो कुछ चेक ही नहीं करना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0, 1, 5, 6 अपना स्थान कभी भी नहीं बदलते, तो यहां पर तो बिना सोचे ही आंसर हम जीरो लगा सकते हैं। अगर हम इस पर 2 पर देखें, तो 2 पर पावर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है हमें 2 की पावर 4 चेक करनी पड़ेगी। 2 की पावर अगर हम 4 चेक करें, तो 2 की पावर 4 में हमें मिलता है 16, और 16 में यूनिट वैल्यू क्या होती है, 6। अगर हम इसी को और आगे प्रोसीड करें, तो 124 की पावर 124 डिवाइड बाई पावर 4, हम पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें पावर 4 चेक करनी पड़ेगी, 4 की पावर 4 चेक करनी पड़ेगी। तो 4 की पावर 4 चेक करनी है, इसका मतलब है 4 की पावर 4 चेक करनी है। तो 4 की पावर 4 क्या होगी, 4 की पावर 4 होगी 256, यहां पर भी इकाई का अंक क्या मिला, 6। अगर हम 26 में देखें, तो 126 की पावर 124, यहां भी पावर 4 से डिवाइड करें, तो पूरा का पूरा पावर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 6 की पावर 4 चेक करनी पड़ेगी, लेकिन हमें 6 में कुछ चेक ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 6 अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ता। अगर हम 8 की बात करें, तो 128 की पावर 124, पावर पूरा का पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब है हमें 8 की पावर 4 देखनी पड़ेगी। 8 की पावर 4 देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 8 का स्क्वायर 64 होगा, 4 × 4 कितना होगा, 16, 16 में क्या मिलेगा, 6। इसका मतलब है कि पावर अगर कभी भी पूरा का पूरा डिवाइड हो रही हो, अगर पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो रही हो और संख्या सम हो, तो हमेशा इकाई का अंक 6 होता है, केवल जीरो को छोड़कर, केवल जीरो को छोड़कर, केवल जीरो को अगर छोड़ दिया जाए और बाकी किसी भी सम संख्या, किसी भी सम संख्या में अगर पावर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इकाई का अंक 6 होगा, लेकिन विषम में क्या होगा, तो विषम को देखते हैं हम लोग। विषम में क्या होगा, तो विषम को हम लोग समझते हैं ऑड नंबर को। ऑड नंबर में अगर ये केस हो, तो ऑड नंबर में ये केस कैसे होगा, विषम संख्या में हम लोग देखते हैं, विषम संख्या में अगर कोई विषम संख्या दी हो, उसके ऊपर कोई ऐसी पावर हो जो पूरी की पूरी डिवाइड हो रही हो, तब उस स्थिति में हमारा इकाई का अंक क्या होगा, उस स्थिति में इकाई का अंक होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, 121, 121 की पावर 120, ये 4 से पावर पूरी की पूरी डिवाइड होगी, इसका मतलब पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, और जो नंबर है हमारे पास वो 121 है, इसका मतलब है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। हम लोग जानते हैं कि 0, 1, 5, 6 अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ते, इसका मतलब है यहां पर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर कोई ऑड नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिखा है 123, और इसकी पावर 120, तो यहां पर भी पावर क्या होगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है हमें अब 3 की पावर 4 चेक करना पड़ेगा। 3 की पावर 4 चेक करते हैं, तो 3 की पावर 4 का मतलब होगा 81, और 81 में इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1। अगर हम 125 को चेक करें, तो 125 की पावर 120,
डिवाइड बाई 4 पूरा का पूरा डिवाइड होगा। अब हमें 5 की पावर 4 देखना पड़ेगा, लेकिन 5 में कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है 5 कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ता, इसका मतलब इकाई का अंक 5 होगा। अगर हम 127 में देखें तो 127 की पावर 120 डिवाइड बाई 4 पूरा का पूरा डिवाइड होगा, 7 की पावर 4 चेक करना पड़ेगा, तो 7 की पावर 4 चेक करने का मतलब है 49 × 49 49 में 9 × 9 होगा, 9 × 9 का मतलब होगा 81। अब फिर से इसको देख लीजिए, 7 की पावर 4 को चेक करना पड़ेगा, 7 की पावर 4 को चेक करने का मतलब है 7 की पावर 4 को चेक करने का मतलब है कि 49 × 49 मतलब 9 × 9 कितना होगा 81, मतलब 1। यहां पर इकाई का अंक क्या होगा 1। ठीक है, हम 129 को भी चेक करके देख लेते हैं, सारे ऑड नंबर, तो यहां पर भी 120 डिवाइड बाई 4 पावर पूरा का पूरा डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है 9 की पावर 4 को चेक करना पड़ेगा, 9 की पावर 4 को चेक करने का मतलब है कि 9 की पावर 4 इसका मतलब है 81 × 81 9 की पावर 4 का मतलब होगा 81 × 81 1 × 1 1। तो यहां पर हमने यह सीखा इकाई के अंक में कि जब भी कभी गुणनफल का सवाल आए तो हम आराम से सिंपल तरीके से ही गुणनफल के सवाल में सारे इकाई के अंक को उठा लेते हैं, आपस में गुणा कराते हैं और इकाई के अंक को देखते हैं, वहां पर हमारा आंसर मिल जाता है। अगर पावर का सवाल है तो पावर के सवाल में सिंपली हम 6 पावर 4 का डिवाइड करते हैं, जो बच जाता है उस पावर को एक्सपेंड करके अपना इकाई का अंक चेक कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अंक भी हैं जो अपना इकाई का स्थान कभी नहीं छोड़ते, जैसे 0, 1, 5 और 6। लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जहां पर पावर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाती है, जब पावर पूरा का पूरा डिवाइड हो उस स्थिति में हमें सम और विषम की कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, इवन और ऑड, नंबर इवन है या ऑड है, नंबर इवन है तो हमारा इकाई का अंक 6 होगा, अगर नंबर ऑड है तो हमारा इकाई का अंक 1 होगा, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, अगर ऑड कैटेगरी में आप देख रहे हैं तो 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ता। अगर आप इवन की तरफ देख रहे हैं तो एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 भी अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ता। यह था इकाई का अंक, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इससे सवाल इस साल बनने की पूरी गुंजाइश है। तो जो गुंजाइश है, सवाल आ सकता है वो सिंपल सा सवाल आ सकता है, छोटा सा सवाल आ सकता है, गुणनफल पे भी आ सकता है, पावर पे भी आ सकता है। और अगर आपसे ऐसा सवाल आए जो पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो, पावर पूरी की पूरी अगर डिवाइड हो रही हो तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि संख्या सम है या संख्या विषम है। बस संख्या सम है तो 6, विषम है तो 1, बट लेकिन इन 4 अंकों को जरूर याद रखिएगा, 0, 1, 5, 6, ये अपना स्थान कभी भी चेंज नहीं करते, या 0, 1, 5, 6 अगर कहीं दिख जाए तो आप वही आंसर लगा दीजिए, 0 पर 0, 1 पे 1, 5 पे 5, देन 6 पर। एक सवाल हम लोग वो समझते हैं, वो कहता है 4 की पावर a इज इक्वल टू 5, 5 की पावर b इज इक्वल टू 6, 6 की पावर c इज इक्वल टू 7 एंड 7 की पावर d इज इक्वल टू 8। ठीक है, देन आपसे वो वैल्यू पूछी गई है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इसका मान क्या होगा। ठीक है, 4 की पावर a इज इक्वल टू 5, देन 5 की पावर b इज इक्वल टू 6, 6 की पावर c इज इक्वल टू 7, 7 की पावर d इज इक्वल टू 8। और पूछा गया है देन व्हाट द वैल्यू ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। हम इस सवाल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट करने का मतलब यह है कि 4 की पावर a इज इक्वल टू 5 कॉमा 5 की पावर b इज इक्वल टू 6 फिर से कॉमा, तो इसका मतलब है कि हमें इस सवाल को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए इन दोनों चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा और इसको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा सवाल को। तो कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहां पर 5 की पावर b है तो अगर हम यहां पर भी 5 की पावर b कर दें तो ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, मतलब अब ये वाली वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम यहां पर 5 की पावर b कर रहे हैं तो मैथ ये कहती है कि अगर आप इस तरफ कुछ दे रहे हैं तो इस तरफ भी पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो हम इसे नीचे से लिखते हैं साफ साफ, 4 की पावर a इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो अगर हम यहां पर इसको देखते हुए 5 की पावर b कर रहे हैं तो हमें यहां पर भी पावर b करना पड़ेगा।
अब 5 की पावर b हमने कर लिया, 5 की पावर b इज इक्वल टू कितना है 6, तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 की पावर a b इज इक्वल टू कितना होगा 6। अगर हमें सवाल को आगे कनेक्ट करना है तो यहां पर 6 की पावर c है तो यहां पर भी पावर c करना पड़ेगा, तो यहां पर भी क्या होगा 4 की पावर a b c, देन 6 की पावर c इज इक्वल टू क्या है 7 है। तो अगर हमें 6 की पावर c इज इक्वल टू 7 है और 7 को भी कनेक्ट करना है तो 7 की पावर d है, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा 7 की पावर d, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा a b c d। अगर इसको साफ साफ नीचे से लिखें तो नीचे से क्या होगा 4 की पावर a b c d इज इक्वल टू 7 की पावर d, 7 की पावर d इज इक्वल टू क्या है 8, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 8, तो इसकी जगह पर 8 आएगा, 7 की पावर d इज इक्वल टू कितना होगा 8, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, और 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 a b c d इज इक्वल टू 2 की पावर 3, बेस बराबर है, पावर को कंपेयर करेंगे 2 a b c d इज इक्वल टू कितना होगा 3, तो हम कहेंगे 2 a b c d इज इक्वल टू क्या होगा 3, देन a इंटू b इंटू c इंटू d इज इक्वल टू क्या होगा 3/2, आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा सवाल था, जो सवाल पूछा गया था टेट में जस्ट उसी के ऊपर रखा हुआ सवाल है ये, लास्ट टाइम आर एस अग्रवाल में जो सवाल पूछा गया था टेट में जस्ट उसी के ऊपर रखा हुआ सवाल है ये सवाल जो अभी भी हुआ है, जो पिछले साल पूछा गया था टेट में वो क्या सवाल था उसको भी देखते हैं। लास्ट टाइम सवाल ये पूछा गया था, एक सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2, इसका वैल्यू कितना होगा, बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही हम सारे जो इंटीजर हैं उनको ऐड कर लेंगे, इंटीजर को ऐड करें तो यहाँ पर क्या होगा हम 1111 कितना होगा 4, अब क्या बचा ये तो कंप्लीट हो चुका है, 1 सेकंड प्लेस को देखते हैं, सेकंड प्लेस कितना हुआ 3, अब थर्ड प्लेस पे आओ तो थर्ड प्लेस 2, फर्स्ट प्लेस पर केवल 1, 1234, अगर हम इसको ऐड करें तो 1/2 कितना होगा 1/2 इनको ऐड करें तो 1 कितना होगा 2, आंसर होगा 1236, लास्ट टाइम का सवाल था इसका आंसर था 1236, सिंपल सवाल था आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम में, वो आपसे ये भी पूछ सकता है या ये कह सकता है कि किसी संख्या को 136 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 36 आता है तो उस संख्या को 17 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 156 से डिवाइड करने पर 29 शेष बचता है तो 13 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल भी आ सकता है तो इसको देखते हैं हम लोग, ये कह सकता है कि किसी संख्या को 136 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या शेष फल हमारा 36 बचता है। ठीक है, उसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर शेष फल क्या आएगा। ठीक है, एक तो यह सवाल इस तरह से पूछ सकता है, इसी को एक सवाल और भी पूछ सकता है कि क्या बोल रहा है 156 को किसी संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 29 आता है। ठीक है, अगर उसी संख्या को 13 से डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, डायरेक्ट अगर आंसर निकालना हो तो डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका यह है कि जो दोबारा जिससे भाग देना है, हमें पहले 136 से भाग देना था तो ये शेषफल बच रहा था, दोबारा किससे भाग देना है 17 से, 17 का भाग सीधे शेषफल में दे दो, 17 दूनी 34 क्या आंसर आएगा 2 आंसर आ जाएगा, 13 का भाग सीधे 29 में दे दो 13 दूनी 26 कितना बचेगा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसान चीज है बहुत ज्यादा, लेकिन कभी नंबर पूछने के लिए आ जाए आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर क्या होगा हम क्या करेंगे इसके लिए, नंबर हमारा होगा 136 में हम 36 को ऐड करेंगे तो 136 में जब हम 36 को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा, मतलब है कि भाजक और शेषफल को अगर ऐड किया जाए तो भाज्य मिल जाएगा, हमारा नंबर हमें मिल जाएगा वो कितना होगा 172। ठीक है, 172 हमारा नंबर होगा, इसी पर बेस कुछ सवाल पूछे गए हैं पेपर में, वो थोड़ा अच्छी तरीके से पूछे गए हैं, घुमा के पूछे गए हैं, आ भी सकते हैं पेपर में, ये सिंपल टाइप के सवाल हैं, इनके आने की संभावना थोड़ी सी कम है लेकिन इनके आने की संभावना पूरी है।
हम इस सवाल को समझते हैं, कहता है किसी संख्या n को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 आता है, किसी संख्या n को अगर 6 से विभाजित किया जाए, 6 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 3 आता है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें संख्या प्राप्त करनी है, तो संख्या प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। 6 + 3 कितना होगा, 9, हमारा नंबर मिल चुका है। तो कह रहा था किसी नंबर को, किसी नंबर n को 6 से डिवाइड करने पर शेष फल 3 पाता है, उसी संख्या के वर्ग को, स्क्वायर को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो शेष फल क्या आएगा, तो उसी संख्या का वर्ग मतलब 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, 81 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो 6 × 1 = 6 कितना बचेगा, 2, 21, 3 टाइम्स आएगा 18, कितना बचेगा 3, तो हमारा शेष फल क्या होगा, 3 आंसर आ गया। मतलब अगर हमसे बोला जाए कि किसी संख्या n को 6 से डिवाइड करने पर शेष फल 3 आता है तो वो नंबर क्या होगा, 9, और उस संख्या के वर्ग को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो शेष फल क्या आएगा, 3। इसी में आगे प्रोसीड करते हैं, एक सवाल ऐसा भी पूछा गया, n को 4 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर शेष फल 3 आता है, किसी संख्या n को 4 से डिवाइड करने पर शेष फल 3 आता है, तो 2n को, 2n को 4 से डिवाइड करने पर शेष फल क्या आएगा, तो अगर हम 4 को n से डिवाइड कर रहे हैं, 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा शेष फल कितना आ रहा है, 3, इसका मतलब है हमारा नंबर कितना होगा, 7। अगर 2n को 4 से डिवाइड करना है तो हमारा नंबर होगा 14, n की वैल्यू रखेंगे 14 आएगा, 14 अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा 12, आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ये सवाल भी पूछा गया पेपर में, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सवाल था, स्क्वायर कह रहा था नंबर बताइए, नंबर क्या होगा, 9, 9 का स्क्वायर 81, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, वो कह रहा है कि कोई संख्या, किसी संख्या n को, फिर से सवाल देखते हैं, किसी संख्या n को 4 से विभाजित करने पर शेष फल 3 आता है तो हमारी संख्या होगी 7। अगर 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या आएगा, यहां पर 2n था, 2n, n का मान कितना आया, 7, तो हम रखेंगे अगर वैल्यू तो 2n का मान होगा 14, और 14 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, 12 आएगा, शेष फल कितना आ जाएगा, 2। तो इस पर भी सवाल पूछे गए हैं, तो इस पर भी सवाल, छोटा सा छोटा कोई सवाल वहां पूछ सकता है कभी, आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।